ये रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है। और साथ में देखिए चौपाल। चौपाल बोलते हैं जो गांव में पुराने वक्तों के क्या होता, जहाँ पे लोग जो बड़े लोग हैं वह जमा होते थे, फैसले वगैरह करते थे, उसको चौपाल बोलते हैं। तो उसी की मुनासबत से यहाँ पे चौपाल भी बनाई हुई है गवर्नमेंट के हिसाब से। ये देखें आप, कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, जैसे सर्दियों में लोग धूप वगैरह में बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहने तुम सारे अपने चैनल से एक बार फिर। तो उम्मीद है तुम खरीयत नाल होवो, खुशबाश होवो। तो अज असीं तुहानूं किहड़े पिंड का विजिट कराउण जा रहे हैं। इस पिंड का नाम है रोशन बीला। यह पाकिस्तान तो तुसीं मॉडर्न तीन तुसीं पिंड कह सकते जे। किंदे विच सारियां सहूलतां ने, बड़े वड्डे वड्डे ग्राउंड बने ने, बड़े जदीद होस्पिटल बने ने, तो यूनिवर्सिटी हर चीज़ बनिया ने। तो साढ़े नाल रहा जाए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो चैनल अगर तुम सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दो, तो बैल आइकन भी दबा दो, तो वीडियो शेयर तो लाइक भी जरूर कर दो। चलो वीरो वहाइए तुम एक और पिंड। तो हम रोशन बीला गांव के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, देखें आज तक किसी गांव में इतना बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। तो देखें कितना ज़बरदस्त क्रिकेट का ग्राउंड है यहाँ। हमारे जो नौजवान हैं वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्रिकेट की। और साथ आप देख सकते हैं यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखें यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है ये। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा ग्राउंड, जिसमें फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट का ग्राउंड था। आगे हम गांव के अंदर एंटर होते हैं, आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। एक ग्राउंड हमने दिखाया था आपको इस साइड में, और जो जो रेलवे ट्रैक है उसकी दूसरी साइड में आप देखें एक और बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये देखें आप। जैसे आप गांव में एंटर होंगे आप देख सकते हैं यहाँ गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी है। तो आज तक आपने वैसे किसी भी गांव में लाइब्रेरी नहीं देखी होगी, यहाँ देख सकते हैं आप गांव के अंदर लाइब्रेरी भी है। तो साथ में देखिए चौपाल। चौपाल बोलते हैं जो गांव में पुराने वक्तों के क्या होता, जहाँ पे लोग जो बड़े लोग हैं वह जमा होते थे, फैसले वगैरह करते थे, उसको चौपाल बोलते हैं। तो उसी की मुनासबत से यहाँ पे चौपाल भी बनाई हुई है गवर्नमेंट के हिसाब से। ये देखें आप, कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, जैसे सर्दियों में लोग धूप वगैरह में बैठते हैं। और साथ अगर कोई
यानी गांव का जो मसला मसाइल होता है वो हल करने के लिए सारे बुज़ुर्ग बैठते हैं इसके अंदर। और आप देख सकते हैं क्लीनिंग यानी सफाई का कितना ख्याल रखा गया है। गांव के अंदर ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा भी इसको रखा गया है। और साथ ही आपको दिखाते हैं यहाँ का रेलवे स्टेशन। ये बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है, बिल्डिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल पुरानी वही अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है रोशन बीला, ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखे हुए हैं जो किराया नामा यानी टिकट के लिए जो उसके रेट्स वगैरह के हैं वो लिखे हुए हैं। या ये टिकट की खिड़की है, टिकट घर इसको बोलते हैं, यहाँ से टिकट लेते हैं। ये जो रेलवे ट्रैक है ये कुरियां खास की तरफ से आता है और यहाँ पे ये कसूर की तरफ से कसूर की तरफ जाता है, फिर कसूर से आगे लाहौर को यही ट्रैक जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ का पार्क। पार्क आप देख सकते हैं, ऐसा पार्क आप बड़े बड़े सिटीज़ में देख सकते हैं जैसा पार्क इधर एक गांव के अंदर बना हुआ है। ये मुकम्मल फैमिली पार्क है, तो आप फैमिलीज भी देख सकते हैं इसके अंदर। और साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप। अभी हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो रहे हैं, देखें आप कितना ज़बरदस्त हॉस्पिटल बना हुआ है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट पाकिस्तान से, कि जो भी हमारे विलेज हैं उन सब को ऐसे हॉस्पिटल प्रोवाइड किए जाएं। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं। तो जी अभी हम दिखा रहे हैं ये लड़कियों का स्कूल बनाया हुआ है। स्कूल आप देख सकते हैं बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में बेहतरीन स्कूल बनाया हुआ है। अभी हम जो बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल रोशन बिलक वो उसका विज़िट करवाते हैं। तो आपने वीडियो में देख लिया कि कितने डेवलपमेंट है इस गांव के अंदर। तो वैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि हर गांव में ऐसे जो फैसिलिटीज़ हैं सहूलतें होनी चाहिए, यानी हर शहरी का ये हक है। तो चलिए हम चलते हैं, आपको अभी स्कूल दिखाते हैं। हाँ।
ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਐਪੀ ਐ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹੋ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त स्कूल बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है।